जय हिंद भाई सभी को। आज संडे का दिन है, लेकिन संडे का भी आपको मैं बता दूं, संडे के दिन में भी हमारे यहाँ क्लासें चलती है, कभी बंद नहीं होती। अभी 11:25 हो रहे हैं और जो ऊपर जो बेच खाना खा रहा है वो SSC GD वाला, वहाँ पर देखो कुछ नमूने उधर वो रहे लास्ट में, ठीक है। ये SSC GD वाले तुमको अभी बैठना है पढ़ने के लिए, सो मत जाना सीधे। और अभी क्लास भी चल रही है, जो क्लास चल रही है वो आर्मी वाले बच्चे हैं सारे के सारे। क्या पढ़ा रहे सर? 16 से 16 इनको तो पूरी पूरी की खुशबू आ रही होगी। कौन से 16 से 16 गए? हाँ रे, हाँ पूरी की खुशबू आ रही होगी। और तुमको भूख नहीं लगती क्या संडे के दिन भी? अरे नो बोल रहे हो? यस। अच्छा कौन कौन जिसको भूख लगे याद करे करो। खीर, हाँ खीर। और इनका तो स्पेशल, इनको तो पूरी मिल जाए सूखी तो भी तकलीफ नहीं है। ये तो पूरी के चक्कर में आ कर लो नीचे। हाँ जीडी वाले कहाँ हैं? जीडी वाले खा लिए? अच्छा तुम तो क्लास लेने वाले हो ना अभी? 12 बजे तक चलेगी क्लास। हैं? नहीं नहीं 11:30 के छोड़ दे, चिंता मत करो, पूड़ियों को गर्म रखेंगे। हाँ तेरे को तो नहीं लग रही इसी का भूख? देखो अभी भूख ही नहीं लगी है। हाँ प्रभु, देखो लड़कियों भूख नहीं लगती, तुमको नहीं लगती भूख? देखो ये एक आदमी एक्सेप्ट किया, चंपा जी लाग रही है। नहीं नहीं इनको नहीं लग रही, भूख लग रही है। ओहो देखो क्या मोटिवेशन लाइन बोली, वापस बोल। पढ़ना है। कब एग्जाम? 22 को। तेरा 22 को आ गया? 23 को। और तेरा? 25 को। 24 को। 24 को? देखो पीछे बैठे हैं यहाँ। 25 को। 26 को। 23। अच्छा ये सारे आर्मी वाले हैं ना जिनका पेपर है? देखो भाई संडे के दिन में भी जोश, देखो इनमें जोश कूट कूट के भरा। कहाँ से प्रभु? क्यों सर? अच्छा क्यों सर से हैं? जोधपुर से। जोधपुर से? हाँ प्रभु कहाँ से? जोधपुर से। अरे जोधपुर से बहुत लोग आ रखे हैं भाई, ये आर्मी में क्या जोधपुर वाले ज्यादा जाना चाहते हैं क्या? हैं? कहाँ से? भीम का थाना। हाँ आवाज ही बाकी। कहाँ से आप? अलवर से। अलवर से? अलवर में? बैरोड। बैरोड से? क्या नाम है? गौरव यादव। अरे आवाज ही भाई, गौरव यादव किसकी तैयारी कर रहा है भाई? आर्मी की। आर्मी की? पक्का पेपर कर लेगा पास तू? ओ हैं एकदम कर देंगे गुरुजी। और तेरे रोक क्यों रहा है? रोक किसकी याद में? नारा याद ही होती मेरे को। तो फिर क्यों रो रहा है? आंख में कुछ प्रॉब्लम है? क्या हो गया? दवाई बन गई है। अच्छा दवाई नहीं डाली तो डाल ना भाई दवाई। अरे हस्ती कहाँ है? अच्छा मैं भी सोचा हस्ती कहाँ है, आर्मी की मेन तो हस्ती। हाँ एक ईयर। क्या नाम भाई? अजय। कहाँ से? हरियाणा से। हरियाणा से? इसके पापा ने जब यहाँ डाला था ना तो सोचा कि बोला ये पढ़ लेगा क्या, देखो संडे को क्लास नहीं छोड़ रहा। बताओ क्या नाम है जोटू? गुलशन। कहाँ से गुलशन? बिहार से। बिहार में? अररिया डिस्ट्रिक्ट। कब आए थे? 7 रोज हुआ। 7 रोज हुआ है? मन लग गया? यस सर। किसके साथ? इसके साथ। क्या नाम जोटू? अभय। हाँ एक मिनट, क्या नाम है? अभय। अभय कहाँ से? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा। मन लग गया? पक्का हो जाएगा मामला सेट? हैं इसके साथ लगा लियो मन। हैं क्या नाम है? हेमंत प्रजापत। कहाँ से? हेमंत प्रजापत। टोंक। टोंक राजस्थान से? हाँ। कितने दिन हो गए? 13 दिन हो गए सर। मन लग गया? पक्का? पक्का। इसके साथ लगाया क्या मन? ध्यान रखना अस्थि है। हाँ प्रभु। अच्छा देखो चलो आप 2 मिनट सर आपका लेंगे हम। हाँ बताइए क्या नाम है आपका? सचिन जाट। तो सचिन जाट कहाँ से हैं आप? झुंझुनू से। एक मिनट भाई थोड़ा सा डिटेल में होगा इंटरव्यू आपका, 2 मिनट लेंगे। उधर 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 उधर। हाँ अब बताइए कहाँ से आप? झुंझुनू से। झुंझुनू में कहाँ से? झुंझुनू प्रॉपर। झुंझुनू से? प्रॉपर झुंझुनू से। किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? आर्मी। आर्मी कर रहे हैं? कब आपका एग्जाम? देखा नहीं अभी सर। और सर क्या पढ़ा रहे हैं उधर से? उधर से टॉपिक क्या है? टॉपिक तो सर वो
वो क्या चित्र से है गुरुजी? चित्र चित्रकला पढ़ा रहे हो भाई? ये बोल रहा है चित्र पढ़ा रहे कुछ कोट साइन थीटा वाला कोट साइन थीटा वाला? अच्छा उसका नाम क्या पर्सनालिटी का नाम बोल दो तो नाम नहीं ए बाकी वाज नहीं नहीं जैसे अगर तेरे से पूछ ले भाई कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे तो कौन सा पढ़ा रहे सर ट्रिग्नोमेट्री ओहो इंग्लिश ट्रिग्नोमेट्री अब कैसे याद आ गया नाम इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट ओ इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है देखो अच्छा एक बार सामने मुंह कर दो तेरी हेयर स्टाइल दिखाएंगे लोगों को देखो भाई पीछे से हेयर स्टाइल और देखो 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 उधर का मुंह पूरा ये हेयर स्टाइल इसके किसने बनाई है ये अजय नहीं अजय ने बनाई है देखो बढ़िया बना दी यार देखो तू इतना सुंदर पहले लगता ही नहीं था वो सर पटा रहे समझ में आता है थोड़ा सा तो तू पूछता जब कोई चीज समझ में नहीं आती पूछता क्या ये वो तो बोल रहे सोता रहता है नहीं गुरु जी कैमरे चेक कर लेना अब नहीं सोता रही ये बोला पहले सोता था अब नहीं सोता अच्छा हाँ एक दिन सोया था फौज साहब ने 3 बजे तक रनिंग कराई थी उस दिन कितनी बजे तक रनिंग कराई थी 3 बजे तक 3 बजे तक शाम को रात को रनिंग कराई थी तेरे से कितनी बजे से रात को 12 बजे से 12 बजे से क्यों 5-6 जने थे सर अच्छा तो क्यों कराई थी तुमको रनिंग लो भाई रात को 12 बजे से 3 बजे तक फौज साहब ने रनिंग कराई क्यों कराई थी वो क्या नाम है वो पीछे वाली खिड़की से देख रहे थे बहुत सर तो उनको ज्वेलर साहिल देख रहे थे तो देख के उनको आगे सर बाद में बोले बार बार वाले सारे आ जाओ अच्छा तो तुम सारे फंस गए उस दिन बढ़िया हो गए तेरे फिजिकल फिर उस दिन वो साहब के बारे में 2 हफ्ते थे बता क्या कहना चाहेगा तो साहब के बारे में बता 2 शब्द बाकी सुनो तुम 2 शब्द बहुत अच्छी तैयारी कराते हैं बहुत सर बहुत अच्छी तैयारी कराते आगे बहुत अच्छे कोच है बहुत अच्छे कोच अच्छा और पढ़ाई पढ़ाई भी 1 नंबर कराते हैं अच्छी कराते हैं और उनके डंडे के बारे में क्या कहेगा डंडे भी सही मारते डंडे भी सही मारते हैं सही मारते ऐसे गुस्सा उस्सा तो नहीं कहीं कोसा कोसा नहीं बोला बाहर देख लूंगा आपको नहीं सर डंडा कितने दिन में पड़ता तेरे कोसा को एक कोई बार त्यौहार ये बोल रहा है कोसा को डंडा तो बोला बार त्यौहार पड़ता रहता है हैं कितना ऐसा कौन है जिसको फौज साहब का डेली आशीर्वाद मिलता है अच्छा सचिन गोराव इसको हाँ ये तो डेली मेरा आशीर्वाद लिए हुए कितने दिन हो गए 5-6 महीने 5-6 महीने 5-6 महीने नहीं इस बार 5-6 महीने में नहीं मिला इसको मेरा आशीर्वाद अरे वो बातें भूल गया पुरानी बातें वो कौन सी बातें याद कर रहे हैं वो हाँ पुरानी बातें याद कर रहे हैं कोई बात नहीं चिंता मत करो अभी आधे घंटे की क्लास और बाकी है वो क्लास हो जाए संडे हो चाहे मंडे संडे क्या नाम भाई मनीष कुमार सर मनीष कुमार कहाँ से झारखंड से सर झारखंड से कब आया था मनीष कुमार 8 को आया था सर 8 तारीख को आया था यस सर घर की याद आ रही है क्या बहुत आ रही है सर बहुत ज़्यादा अरे दादा देखो मैं भी सोचा तुम में से किसी को घर की याद नहीं आती क्या इसको आ रही है ना पहले घर पे इससे पहले कभी रहा हॉस्टल में कहीं नहीं इससे पहले कहीं नहीं गए थे यही सर फर्स्ट टाइम है फर्स्ट टाइम ही आए हो यस सर और किसकी तैयारी करोगे SSC जुड़ी ए आवाज़ बाकी पीछे अच्छा घर में कौन कौन है भाई कहाँ पड़ता घर घर धनबाद जिले से धनबाद जिले में यस सर अच्छा अच्छा तो घर की इतनी याद क्यों आ रही भाई आज 8 तारीख आज कितनी तारीख हो गई 14 तारीख सर अब तो 5-6 दिन हो गए अब तो थोड़ी याद कम होनी चाहिए सर पहली बार घर वालों से इतना दूर आए हैं तो आज मोबाइल मिलेगा अभी घर वालों से बात करना बढ़िया से यस सर हैं यस सर आराम से कर रहा पहली बार आया घर वालों से दूर यस सर इससे पहले कभी गया नहीं नहीं सर इससे पहले कभी नहीं गया अच्छा यहाँ कोई भी यार दोस्त बना नहीं बना है ये प्रभु क्या नाम है तेरा तेरा प्रोडक्ट झारखंड का ही तो है ना तो फिर क्यों नहीं दोस्ती कर रहा है इसका मन क्यों नहीं लगवा रहा तू लगा रहे सर हैं मेरे साथ रहता है ये दादागिरी तो नहीं करता नहीं करता सर हैं
नहीं करता सर ब्रदर। हाँ तो फिर मन क्यों नहीं लगा रहा भाई तू, तेरे पड़ोसी नहीं? सर पहली बार इतना घर से दूर आए ना सर, इसलिए घर वालों की याद आ रही है, खास करके मम्मी की। मम्मी की याद आ रही है? यस सर। अरे ए वाजी, मम्मी की याद सबको आती है, इनको भी जो पुराने वाले ना, इनको भी सबको आती है। मम्मी की याद किसको नहीं आती भाई, सबको आती है, मेरे को भी आती है। मेरी मम्मी यहाँ पास में रहती है तो भी आती है, मम्मी की याद तो आएगी आएगी, ठीक है। देखो फिर भी आती है, याद आती है मम्मी की, लेकिन याद करके खुश रहना है, उदास नहीं, समझ गए बात को? याद करके खुश रहना, क्योंकि उनके लिए तो आया, उनका सपना पूरा करने के लिए। किसका सपना है फौज में जाने का? सर मेरा सपना है, मेरा मम्मी पापा का सपना सर। हाँ एक ये पीछे जो आवाज कर उनका नाम बस बताना मेरे को इशारे में, देख लो एक बार। अच्छा तेरा सपना है, तेरे मम्मी पापा का सपना है? सर मेरा भी सपना है, मेरे मम्मी पापा का, दोनों तीनों का सपना है। तीनों का सपना है? Yes। तो जब सपना पूरा करेगा तो थोड़ा सा मम्मी से दूर होना पड़ेगा, कुछ करने के लिए जीवन में घर को छोड़ना पड़ता है, समझ गए? Yes, sir। घर पे कुछ नहीं मिलेगा लाडले, समझ गया? Yes, तो जिस दिन वर्दी पहन के जाएगा घर पर, उस दिन पूरा हिसाब बराबर हो जाएगा, समझ गए? तो मम्मी को याद करना है, हर रोज याद करना है, दिन में 10 बार याद करना है, लेकिन याद करके। कि तुमको याद नहीं आता मम्मी? आता है पक्का? Yes, नहीं तो देख ले, तेरी मम्मी को पता चल जाएगा कि मेरा बेटा याद ही नहीं करता है। याद करते सर। कितनी बार करता है याद दिन में? हर समय। हर समय देख ले, हर समय याद आती है ना मम्मी की तो, लेकिन फिर भी हंसता रहता है, इसलिए खुश रहना है, मम्मी को याद है करते रहना, मम्मी को भूलना थोड़ा ना भाई। हाँ कोई ऐसा है जिसको मम्मी की याद नहीं आती? लड़कियों को नहीं याद आती होती? अच्छा ये ऋषिका को याद नहीं आती? आती है मम्मी की याद? किसकी मम्मी की? मेरी। पक्का? ये ले तेरी मम्मी देखेगी वीडियो। अच्छा तू बता दे कम से कम, देखो तेरी मम्मी की याद आती तुझे? तो चल तेरी मम्मी के लिए 2 लाइन बोल, अब पता चल जाएगा, बता। तेरी मम्मी के लिए कोई भी 2 मैसेज बोल दे, बता जल्दी। नहीं, नहीं नॉर्मल बोल दे, कोई शायरी थोड़ी ना बोलनी है। देले ये, देले फिर तेरी मम्मी सोचेगी याद नहीं आती। अरे सर दिल वाला कनेक्शन ना पहुंचेगा। ये बोला दिल वाला कनेक्शन है मम्मी से है ना, तो बोलने की जरूरत नहीं है। संपा बात सही बोल रही है कि तू भी नहीं बोलेगी मम्मी के लिए कुछ? वाह संपा एग्री कर ली इसकी बात से, ऋषिका की बात से। वाह अरे वाह, देखो कोई ऐसा है। अच्छा श्याम भाटी इसको मम्मी की याद नहीं आती, जाके आ जाता है ये, जाके आ जाता मम्मी की जुड़ करके आ जाता है। अरे तुम में से कोई ऐसा है जो मम्मी से बहुत पिटा है लते लतेड़ के? कोई नहीं है। हाँ देखो देखो भाई, मैं तो बहुत पिटा हूँ मम्मी से बहुत बार, पापा की याद नहीं आती। पापा की याद इसलिए नहीं आती, पापा की याद इसलिए नहीं आती कि उनका वाला जो रोल है ना वो आधा आधा कर देता हूँ मैं, हैं डराने धमकाने वाला पूरा काम मैं कर देता हूँ, तो उस समय याद आती नहीं, बोला वहाँ से छूट गए थे तो यहाँ फंस गए हैं। पर थोड़ा मम्मी वाली चीज़ थोड़ी फील होती है भाई, हैं कभी कोई अपनी मम्मी को बोला आई लव यू? चलो बोल लो आज, ओके 1 2 3 बोलो आई लव यू मम्मी। भाई नेताओं को बोल रहे आई लव यू तो तुम तो अपनी माँ को तो बोल ही लो। हैं हाँ सचिन तेरी आवाज़ नहीं आई, तेरी मम्मी को बता दूंगा मैं। अच्छा रुक जाओ, बोल रहा हूँ पर्सनली बोलूँगा, रुको रुको रुको, वो बोल रहा हूँ पर्सनली बोलूँगा, रुको रुको भाई। हाँ ले बोल पर्सनली, क्या बोल रहा ना? आई लव यू। हाँ सारे बोलो एक साथ 1 2 3 आई लव यू मम्मी, आई लव यू भाई। हाँ पापा के लिए बोल दो भाई। हाँ लेकिन बोल दो आई लव यू पापा। पापा के लिए बेटा थोड़ा जोर से बोलने हैं, डर के मारे डर लग रहा है? अच्छा तुम में जो कौन कौन है तो पापा से बहुत जूते खाया है? अच्छा ये कुछ हाथ खड़े कर रहे हैं, वो शायद तो परमानेंट खाता ही रहता है। ओके ओके चलो पढ़ लो 10 मिनट पर, बाद में खाना खा लेना भाई।
ओके भाई जय हिंद।